तिवारी भैया तो खड़े हैं, करोड़ों फैंस खड़े हैं अर्णव के साथ। जब तक सुशांत सिंह राजपूत का न्याय नहीं मिल जाता, जब तक पालघर के साधुओं के साथ न्याय नहीं हो जाता, तब तक रिपब्लिक भारत इनको पोल खोलता रहेगा, इनका पाखंड दिखाता रहेगा। आज यही है, खाज तक हाथरस में लोग थूथू करना शुरू कर दिए, भाग यहां से, भाग यहां से। उन दंगाइयों को पकड़ो ना जिन्होंने निर्मम हत्या किया साधुओं का, उनसे पूछो जाके, पाखंड कर रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो। जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको चुभन हो रहा है ना, ये परमवीर सिंह फड़फड़ा रहा है ना, क्या कर लेता है ये, लोगों को उठा लेता है चुपके से, सामने से वार नहीं कर सकते ना तुम लोग। देश को जलाने वाली कोई भी चैनल को इस देश में समर्थन कोई नहीं करेगा, उस चैनल का बॉयकट करेंगे हम। आप अर्णव को परेशान कर रहे हो, अर्णव के साथ पूरा देश खड़ा है पत्रकार महोदय, आइए कुछ भी कर ले, अर्णव सत्य था, है, रहेगा। रिपब्लिक भारत हो चाहे ली न्यूज हो या सुधीर चौधरी हो, मैं रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन सवाल है कि जो आदमी सच दिखा रहा है उसमें आपको दिक्कत कहां है? अगर उसके पास एनर्जेटिक पत्रकार है, रवि मिश्रा जैसे पत्रकार हैं, प्रदीप भंडारी जैसे पत्रकार हैं, सोहेल शहीद के की तरह पत्रकार हैं, तो क्या दिक्कत है आपको, क्या प्रॉब्लम है आपको? चुप रहा है कि आपको माल नहीं मिल रहा है? आज क्यों ये क्या नाम है, लेबीपी न्यूज, खाज तक, ये सब क्यों पत्रकार प्रचार कर रहे हैं मालूम है? सुशांत सिंह राजपूत को नीचे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इनको सोनी चैनल से केबीसी, कलर्स का बिग बॉस, ये दोनों का एड मिलना शुरू हो गया है, लेकिन रिपब्लिक भारत एड नहीं लेता ऐसे लोगों का, तो चुभन हो रहा है। तो वो पहले ही डील हो गया है कि अगर आप केबीसी का प्रचार करेंगे, अगर आप लेबी पे क्या नाम है बिग बॉस का प्रचार करेंगे, तो आपको पहले सुशांत सिंह राजपूत को नीचा दिखाना होगा, ये डील हुआ और वही हो रहा है। आज देखा होगा आपने NSBA, नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने खाज तक पे चैनल का एक लाख रुपए चैनल का फाइन किया है और कहा है कि आप माफी मांगिए, और वो भी कहा है कि जब मैं बोलूंगा तब आप माफी मांगेंगे। कब माफी मांगना है, कौन से टाइम पे माफी मांगना है, कब माफी मांगना है, कैसे माफी मांगना है, वो NSBA डिसाइड करेगी कैसे आपको माफी मांगना है। सुशांत सिंह राजपूत को आपने कमजोर साबित कर दिया कि जिंदगी के पीच पे आउट हो गए, लेकिन आपने चिया को नहीं दिखाया, कुकर्मी को, पापिन को, हत्यारिन को, आपने पहले ही से आपको डिसाइड कर लिया। देखिए, अर्णव भाई में खासियत है कि अर्णव भाई बारीकी जगह से डिटेल करके केस पे काफी सर्वेक्षण करके रिपोर्ट लाता है, अचानक नहीं कुछ भी बोल देता है, वो रुकता है, वेट करता है। देखा ना आपने, हाथरस हाथरस चला रहे थे लोग, अचानक रिपब्लिक भारत आया, हाथरस हो गया, फुश हवा निकल गया। अब आ रही है बात की ऑनर किलिंग की, बात आ रही है कि परिवार ने ही कुछ किया होगा। देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूं कि तिवारी भैया किसी भी लड़की महिला के साथ गलत होता है वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन उसमें गिद्धता वल्चर जो होता है ये गलत है। अब अंदाजा लगाइए कि खाज तक के और लेबीपी न्यूज के कारण अगर ये सब चलता, अगर हाथरस जल जाता, तो किसका नुकसान होता, उन तमाम लोगों का ना पत्रकार महोदय। तो इससे राजदीप ने बचा, क्या नाम है, अर्णव भाई ने बचा लिया ना, तो इसमें गुनाह कर दिया। वही अर्णव भाई है जिसने पालघर साधुओं के लिए न्याय के लिए बात की थी, लेकिन ये बाकी सब पत्रकार मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे, ये पता कर रहा है। आप पूछिए उद्धव ठाकरे से कि पालघर में आपने क्या न्याय दिया है, चार पुलिस वाले को फॉर्मेलिटी करके डिसस्पेंड कर दिया और बड़ा पहाड़ खोल लिया। उन दंगाइयों को पकड़ो ना जिन्होंने निर्मम हत्या किया साधुओं का, उनसे पूछो जाके, पाखंड कर रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो। जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको चुभन हो रहा है ना,
ये परमवीर सिंह फड़फड़ा रहा है ना, क्या कर लेता है ये, लोगों को उठा लेता है चुपके से, सामने से वार नहीं कर सकते ना तुम लोग, और आज रिपब्लिक पे वार कर रहे हो टीआरपी के। टीआरपी पैसा से नहीं होता, टीआरपी होता दिल की गहराई से, और जनता जनार्दन बनाती है जब शाम को सुबह में रिपब्लिक भार देखती है। ये पाखंड से नहीं चलता है, कभी कभी श्वेता, कभी अंजना, कभी तंजना, कभी चित्रा, ऐसे नहीं होता। कभी टाइट जीन्स पहन के, कभी ऐसे पहन के चली जाती हो, आप पत्रकारिता करती हो, अर्णव से जाके सीखो, पहले अर्णव से जाके ट्यूशन लो, और तब जाके ये सब अर्णव के सामने आना। अर्णव हारने वालों में से नहीं है, अभी भी चैलेंज दे रहा है वो, लगातार चैलेंज देता रहेगा, क्योंकि उसके साथ तिवारी भी तो खड़े हैं, करोड़ों फैंस खड़े हैं अर्णव के साथ। जब तक सुशांत सिंह राजपूत का न्याय नहीं मिल जाता, जब तक पालघर के साधुओं के साथ न्याय नहीं हो जाता, तब तक रिपब्लिक भारत इनको पोल खोलता रहेगा, इनका पाखंड दिखाता रहेगा। आज यही है, खाज तक हाथरस में लोग थूथू करना शुरू कर दिए, भाग यहां से, भाग यहां से, सिर्फ रिपब्लिक चलेगा यहां पे। लोग सवाल करते हैं प्रदीप भंडारी पे कि प्रदीप भंडारी नाच नाच के रिपोर्टिंग करता है। अब मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय, लंडी टीवी का पत्रकार रवीश कुमार गया था, एक हवीश कुमार बिहार में, दाढ़ी बना रहा है, अब वहीं पे इंटरव्यू ले रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवीश कुमार, मैं बिहार में मौजूद हूँ, जरा सा दाढ़ी बना लेता हूँ, दाढ़ी बना रहा है, रिपोर्टिंग चल रहा है, मैंने वो तरीका सही है। इस दिल्ली में जब कुजरी दिन जीता था चुनाव, तो यही आज तक खास तक चैनल में डांस हुआ था, आपको याद होगा ना, डांस किए थे ये लोग ने लाइव परफॉर्मेंस में, वो ठीक है। यही रवीश कुमार रिक्शा एक दिन रिक्शा चला रहा था, वो सही है। थोड़ा सा प्रदीप भंडारी ने एनर्जी लाके, जोश में लाके, उन तमाम सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो बैठे हुए हैं, जो डीमोटिवेट हुए, उनको मोटिवेट करने के लिए अगर हल्का सा एनर्जी ला दिया तो क्या दिक्कत है, आप भी नाचिए। किस संविधान में लिखा हुआ है नहीं कि झुमझुम के आज तक क्या नहीं दिखाएगा, क्या नाम है, कोई रिपोर्टिंग नहीं करेगा, कहीं स्टैंडर्ड बना हुआ है क्या? माने रणबीर कपूर पेटीकोट आप बड़ा पहन के घूम सकता है, उसको अलाउड है क्योंकि सुपरस्टार है। आ एक पत्रकार ने हल्का सा एनर्जी देके कवर कर लिया तो चुप रहा, आप लोग को मजाक उड़ा रहे हो, अरे सच बोल रहा है ना, असल बात है ना, सच बोल रहा है, इसलिए आप लोग की गीली हो रही है। लेकिन याद रहे, सुशांत सिंह राजपूत को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हम रिपब्लिक भारत को देखते रहेंगे, और जो भी सत्य दिखाएगा, जैसे हाथरस कांड में सत्य दिखा रहा अर्णव भाई, हम देख रहे हैं कि वो दिल्ली क्या नाम है, इस भारत को जलने से बचा रहा है, यूपी को जलने से बचा रहा है, हाथरस को जलने से बचा रहा है, उस चैनल को हम क्यों नहीं देखेंगे? हम उसको देखें जहां पे हिंदू मुसलमान की राइट्स हो, जहां देश में दंगा हो, उस चैनल को हम देखेंगे? नहीं, उस चैनल पे हम थूकेंगे। देश को जलाने वाली कोई भी चैनल को इस देश में समर्थन कोई नहीं करेगा, उस चैनल का बॉयकट करेंगे हम। आप अर्णव को परेशान कर रहे हो, अर्णव के साथ पूरा देश खड़ा है पत्रकार महोदय, आइए कुछ भी कर ले, अर्णव सत्य था, है, रहेगा।